हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन. वेलकम टू दी न्यूज़पेपर एनालिसिस. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का टू दिस स्पेशल स्पेशल न्यूज़पेपर एनालिसिस. एंड दो दिन हमारी क्लास नहीं हुई थी बिकॉज देर वॉज नॉट मच इन न्यूज़, बट देन अभी है तो वी विल कवर इट. मॉर्निंग एवरीवन. आई होप द ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर सभी लोगों को. गुड मॉर्निंग एवरीवन. विल जस्ट स्टार्ट इन अ मिनट. एक बार बाकी लोग जुड़ जाएं फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं. गुड मॉर्निंग.
Okay, so my mom is here. We'll quickly have a class and जल्दी से जो मेन मेन हमारे टॉपिक है उसको कवर करते हैं. There's just one editorial MSME के ऊपर आया है, उसको एक बार जरा हम लोग देखते हैं. We'll quickly cover that. Just give me a minute. और Google Earth का थोड़ा यूज करेंगे आज हम लोग. तो we'll do that also quickly. Good morning, good morning, good morning everyone, good morning, good morning. Okay. हाँ, Google Earth बाबा जी का यूज करेंगे. बहुत टाइम हो गया हमने Google Earth बाबा का यूज नहीं. ओके तो अभी आपने देखा होगा देवघर में बड़ी एक ट्रेजेडी हो गई है. एक रोपवे है वो कोलैप्स कर गई है, मतलब बेसिकली स्टॉल कर गई थी. और उसकी वजह से क्या हुआ कि लोग 48 घंटे से ज़्यादा से वहाँ फंसे हुए थे. देन इंडियन एयरफोर्स एंड NDRF वाज कॉल्ड फॉर द रेस्क्यू. अब उसमें क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली उस रेस्क्यू के दौरान ही केबल स्नैप कर गई एक. And you would have seen a very chilling visual of a person falling. That's very scary. देखो कि एक इंसान ऐसे मतलब ऑलमोस्ट सोचो मतलब हेलीकॉप्टर में खड़ा है, खड़े खड़े गिर गया. एक तो आई थिंक वो पैनिक कर गया होगा. केबल बिल कई बार क्या होता है ना, वेन रेस्क्यू ऑपरेशन इज गोइंग ऑन, लॉट ऑफ पीपल दे पैनिक अ लॉट. उसमें पैनिक करने से भी हो सकता है कुछ हुआ हो. एंड देन यू नो यू नेवर रियली नो कि क्या क्या चीज़ें हैं. तो उसकी वजह से आप कह सकते हो थोड़ा बहुत पैनिक भी हो गया होगा. एंड देन मे बी यू नेवर नो, अब वो पता चलेगा कि कैसे केबल स्नैप कर गई. मतलब क्योंकि वॉज ऑलरेडी स्टैंडिंग, मतलब वो ऑलरेडी पहुंचा हुआ था वहां पे, वॉज ऑलरेडी देयर इन द हेलीकॉप्टर और वहां से वो गिर गया. तो देवघर इज बेसिकली दिस प्लेस इन झारखंड और ये त्रिकूट करके हिल्स हैं. एक्चुअली थ्री हिल्स आर देयर. बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है वो. वहाँ पे रोपवे और एक केबल वे है. एंड उसके बाद ये क्या, वो रुक गई और आपस में टकरा गई. तो टकराने की वजह से क्या हुआ, कुछ लोग बाहर ही लटक गए उसमें. बड़ा ही मतलब डेंजरस है. खैर एनीवे वी विल टॉक अबाउट दिस. दिस इज अबाउट द 750 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. तो 750 कोर टॉपिक्स के बारे में मैं बता रहा था कि पॉलिटी कंप्लीट हो गया है. जस्ट थोड़े बहुत टॉपिक बचे हुए हैं जिसको हम कल कवर करके वी विल बी स्टार्टिंग विद एनवायरमेंट इकोनॉमी एक्सेट्रा. और इकोनॉमी NCERT का कोर्स कल चालू हो चुका है. आज दूसरी क्लास है 12:30 बजे जिसको हम लोग कवर अप करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. NCERT के बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं ध्यान देते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं. उसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हमें लगता है कि हमें आते हैं बट एक्चुअली में एग्ज़ाम में गलत हो जाती है. जो लोग ने वो क्लास अटेंड करी थी कल वाली, वो इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं और इस चीज़ को समझ पाएंगे कि उन्होंने क्या कल नया सीखा या फिर शायद उन्होंने रिवाइज़ किया, जो बहुत सारे लोग शायद नहीं ध्यान देते. तो यू आप एनरोल कर सकते हैं बिकॉज देयर इज एन ईस्टर ऑफर गोइंग ऑन ऑन एन अकेडमी वेयर यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन एंड गेट 3, 6 months and 12 months एक्स्ट्रा ऑफ सब्सक्रिप्शन. एंड उसके अलावा आज का मोटिवेशन कोट इज एक्सपीरियंस इज सिंपली द नेम वी गिव आवर मिस्टेक्स. तो हम अपनी जो गलतियों से सीखते हैं उसी को हम एक्सपीरियंस बोलते हैं. एंड बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ दीज एस्पिरेंट्स टर्न्ड अप फॉर द UPSC मॉक इंटरव्यू यस्टरडे. आई वॉज had the good fortune of being a part of the panel with eminent retired bureaucrats and ambassadors. And it was a very good experience. Some of the very brilliant students were there from very diverse background. Koi geography optional tha, koi sociology tha, koi anthropology tha, kisi ne BSc kiya hai, kisi ne engineering kiya hai, koi 9-pointer hai, koi 6-pointer hai, koi 5-pointer hai. To ek tarike se ye dikhta hai ki badi diversity hai. UPSC does not really favor anybody who has a specific background. तो इससे काफ़ी कुछ पता चला. आप देखोगे मतलब ये एक और प्रूफ है कि आप चाहे किसी भी फील्ड में हो लेकिन UPSC विल यू नो सॉर्ट इट आउट फॉर यू एंड एवरीबडी गेट्स एन इक्वल चांस इन इट. तो आपके जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग थे दे हैड कम टू इम्प्रूव देयर मार्क्स देयर रैंक, बहुत सारे बिल्कुल फ्रेश भी थे.
So I hope to see all of you. In fact, next year I might be taking your interviews. तो you know I hope to see all of you there. आप लोग भी सारे लोग उस साइड बैठे हो, मैं आप लोग का इंटरव्यू ले रहा हूँ. आई होप एंड प्रे दैट ऑल ऑफ यू क्लियर दैट एग्जाम. बाकी दीज आर सम न्यू बैचेस विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 13th of April. आप इनको एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड DPS लाइव एंड डू एनरोल फॉर कॉम्बैट. बाकी अब जयपुर में भी अन अकेडमी का एक स्टोर ओपन हो गया है. 9th April को जयपुर में इनॉग्रेट हुआ. सो नाउ वी हैव टू स्टोर्स, वन इज इन दिल्ली, अनदर इज इन जयपुर. नेक्स्ट वन आई थिंक इज गोइंग टू बी कोटा लॉन्च एंड देन देर विल बी अ लखनऊ लॉन्च. तो प्रॉबेबली प्रॉबेबली लेट्स सी, आई एम नॉट रियली श्योर लखनऊ वाले में, आई विल बी देयर. तो ये इमेज है जो बड़ी चिलिंग सी इमेज है, आदमी बिल्कुल झूल रहा है वहां पे. आप देखोगे कि ये दोनों रोप वे या एक्चुअली क्या हो गया, स्टॉल कर गई और वेट था और आपस में टकरा गई. तो अराउंड 43 पीपल को तो रेस्क्यू कर लिया इंडियन एयरफोर्स के चॉपर्स ने एंड NDRF को बुलाया गया. सो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो है MHA के अंडर है, इसको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया था. तो इन्होंने रेस्क्यू तो कर लिया, बट देन ये त्रिकूट हिल्स में अनफॉर्चुनेटली वो एक बड़ा दर्दनाक सीन हो गया, दैट हेलीकॉप्टर से गिर गया वो आदमी एंड फेल फ्लैट. सो टू पीपल हैव डाइड एज ऑफ नाउ एंड 43 हैव बीन रेस्क्यूड. बट अभी स्टिल रेस्क्यू ऑपरेशन को हॉल्ट करना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस. तो देन अ वुमन ऑल्सो सकम टू लेटर टू इंजरीज. तो एक को तो चोट लग गई थी, एक गिर गए थे. तो दिस हैज हैपेंड. नाउ वेयर एग्जैक्टली इज दिस त्रिकूट हिल, सो वी विल टेक द हेल्प ऑफ आवर गूगल अर्थ भैया. तो त्रिकूट हिल्स पे चलते हैं हम लोग. चलो जी, दिस इज इन देवघर. ठीक है, त्रिकूट पर्वत बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं. थ्री हिल्स हैं एक्चुअली. आप देखोगे झारखंड में देवघर के पास है. तो ये स्पेसिफिकली आप देखोगे दीज आर ऑल इसके ऊपर रोप वे बना हुआ है. ये आप देख रहा होगा, आपको देखोगे ध्यान से. तो ये रोप वे जो है ये देखिए यहाँ पे ये वाला. तो यहाँ से एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये. तो ये रोप वे जो है ये आपका कोलैप्स कर गया. और यहाँ से जैसे देख रहे हो ना, त्रिकूट क्यों नाम है, क्योंकि तीन हिल्स दिखते हैं, 1 2 3 से ना, त्रिकूट इज बिकॉज ऑफ दिस. आसपास आप देखोगे जनरली रिलेटिवली फ्लैट एरिया है. दीज आर ऑल रेसिड्यूअल हिल्स हैं ये, ईस्टर्न घाट के रिमेनिंग पोर्शन है. दीज आर ऑल रेसिड्यूअल प्लेटो के ही पोर्शन है. तो झारखंड प्लेटो आप देखोगे रेसिड्यूअल पोर्शन हैं. तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो रोप वे था यहाँ से ऐसे जा रहा था, यहाँ से चालू होता है इसका ऑफ, ये है बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट. अगर आप देखेंगे ध्यान से, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रोप वे. और यहाँ से आप जाते हो ऊपर की तरफ, ऊपर एज यू कैन सी इट्स अ वेरी इरोडेड प्लेटो. यहाँ पे एक रावण केव है, बड़ा फेमस है रावण केव. तो ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है. वॉइस ब्रेक हो रही है. वॉइस इशू हैपनिंग. व्हाई इज दैट? अभी ठीक है, इज इट ओके नाउ? बीच में हुआ था, आई थिंक अभी ठीक है. आई एम जस्ट चेकिंग द ऑडियो फ्रॉम माई एंड ऑल्सो. हाँ, बीच में हुआ था. आई थिंक दिस वॉज अ स्ट्रीमिंग इशू प्रॉबेबली. तो बेसिकली यहाँ का इंसिडेंट है ये. नाउ दिस गिव्स अस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क, इज कि हाउ सेफ आर दीज एंड कितना मेंटेनेंस इनका होता है. सो द क्वेश्चन कम्स इज कि मेंटेनेंस ऑफ दीज रोपवे, इनका रेगुलर चेकअप होना, स्पेशली टूरिस्ट प्लेसेस में ऑल ऑफ दीज डिजास्टर टेक प्लेस. बिकॉज कई बार क्या होता है, मेंटेनेंस में नेग्लिजेंस होता है. सो ऑफकोर्स इट्स अ ह्यूमन मेड ट्रेजेडी, ह्यूमन मेड एरर है. Let me just check once. तो यहाँ पे आप देखोगे बैद्यनाथ धाम भी है, बहुत फेमस. मतलब दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजियस पिलग्रिमेज के एरियाज हैं.
एंड काफी ज्यादा टूरिस्ट फुटफॉल है यहाँ पे। तो ये दिस इज कॉल्ड एज द रावण्स केव, यहाँ पे आप देखोगे कि उसकी फोटो है वहां की, देख रहे हो आप रोप वे, इट्स ऑल इरोडेड प्लेटो अगर आप ध्यान से देखोगे तो। व्हाई इज इट गेटिंग स्टक? तो यहाँ पे ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया बट अनफॉर्चुनेटली टू ऑफ द पीपल कुड नॉट मेक इट। इज इट फाइन नाउ? अभी ठीक है? ऑल गुड? ठीक है। तो एमएसएमई सेक्टर आप देखोगे कोविड में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट हुआ उस पर, बहुत सारे इंडस्ट्री नहीं सरवाइव कर पाए, बट देन इन स्पाइट ऑफ दैट ऑल्सो कुछ MSMEs फिर भी सर्वाइव कर गए। पैंडमिक का डेफिनेटली बहुत डीप इम्पैक्ट हुआ। एज अ प्राइमरी सर्वे ऑफ 225 स्मॉल फर्म्स अराउंड द दिल्ली एनसीआर अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व दैट टर्नअराउंड ऑफ ओवर ऑफ अराउंड 90% ऑफ स्मॉल फर्म्स हैड डिक्लाइंड। 53% ऑफ फर्म्स देयर टर्नओवर जो है उनका डिक्लाइन हुआ अराउंड 50% एंड 29% का कोलैप्स हो गया बिजनेस। मेन रीजन इज द शॉर्टेज ऑफ फंड्स, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फंड, स्लो रिकवरी ऑफ मार्केट, पेमेंट डिले, लेबर शॉर्टेज, था बहुत सारे ये कंबाइंड रीजन थे जिसकी वजह से हुआ, लैक ऑफ स्किल वर्कफोर्स। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द फर्म्स आर अवेयर अबाउट द इनिशिएटिव्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज, बट बहुत सारों को उसका एडवांटेज नहीं मिला बिकॉज बिजनेस में डिमांड नहीं था, प्रोड्यूस करते भी तो क्या करते जब बेच नहीं सकते थे। तो आई डोंट नो व्हाई इज इट क्रैकिंग, बट आई थिंक इट्स एन यूट्यूब का इशू बिकॉज यहाँ पे तो बिल्कुल सही चल रहा है, ऑडियो भी सही चल रहा है। आई थिंक प्रोबेबली दिस इज स्ट्रीमिंग इशू ऑफ यूट्यूब। तो इसको क्विकली खत्म करते हैं, बाकी आई थिंक वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा बीच में। तो ऑल द मोस्ट ऑफ द फर्म्स आर अवेयर अबाउट द इनिशिएटिव, ओनली हाफ ऑफ देम you know got any benefit out of it. उसके अलावा lessons जो हम सीख सकते हैं from the resilience, ठीक है, around 10% of the firms under the study had neither rise in their turnover nor reported in change. The key sector जिसमें ये लोग operate कर रहे थे were you know human health activity, manufacture of pharmaceutical etc. So they exploited the opportunity using their own savings to invest in the area that offered new opportunities. तो कई सारे जो थे उन्होंने बिजनेस स्विच किए, नए वेंचर्स में चले गए, बहुत सारे बंद हो गए, बहुत सारे आत्मनिर्भर भारत पैकेज का फायदा नहीं उठा पाए, बहुत सारे जो है सर्वाइव कर गए। तो इससे क्या सबक मिला, उसको हम आगे और कैसे सही कर सकते हैं? तो COVID-19 ना ही पहला पैंडेमिक है और ना ही आखिरी होगा, और भी आएंगे, अभी आप देखो बहुत सारे आते रहे। तो हमें बनना है रेजिलियंट, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला फ्यूचर में आप क्या करो इसके लिए आप एक फंड बनाओ। So in order to make the MSMEs more resilient, इन्होंने बोला कि आप एक सजेस्ट कर रहे हैं कि इन्होंने एक अनसर्टेनिटी कॉर्पस फंड बनाया जाए फॉर यूज, यू नो, फॉर टू यूज इन अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस, ताकि उसका फ्रैक्शन ऑफ टर्नओवर जो उसको पैसा मिल सके इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। गवर्नमेंट शुड ऑल्सो इनकरेज स्मॉल फंड्स बाय एश्योरिंग देम अ ल्यूक्रेटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फर्दर द गवर्नमेंट मे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट द कॉर्पस फंड एज अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर MSME. Another measure can be small business insurance scheme. एक उन्होंने बोला फंड दो, एक होता है इंश्योरेंस दो इनको, इंश्योरेंस कर सकते हैं जिससे इनकी रिकवरी हो सके जो भी थोड़े बहुत लॉसेस हैं। तो as there are more than 6.4 million MSMEs in the country, there is a huge market potential for the insurance sector also. 6.5 million के आसपास MSME है सोचो। ऑल्दो 2022-23 के बजट में आप देखोगे फाउंडेशन रखा गया है फॉर द इकोनॉमी टू यू नो टू स्टीयर द इकोनॉमी फॉर द नेक्स्ट 20-25 ईयर्स, उसमें एमएसएमई का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा।
The proposed financial measures suggested are, above, namely like uncertainty corpus fund, small business and small business insurance can help these sector become more resilient. So out of the entire article, there are two, three key takeaways. Pehla hai ki kitne MSME hai, kya problem face kari unhone, what are the major issues that they generally face and what can be done to help them in the times of crisis. Jaisa ki maine bataya, they can have a fund, corpus fund, they can also have what is called as इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकती है सरकार, थोड़ा बेटर रेगुलेटरी फीचर प्रोवाइड कर सकती है जिससे एमएसएमई जो हमारे सबसे क्रिटिकल की फैक्टर्स हैं इन द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. नेक्स्ट, अगर हमें ट्रिलियन डॉलर्स की तरफ जाना है, 5-6 trillion dollars, उसमें एमएसएमई का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. एक्चुअली में जितनी भी एमएसएमई होते हैं, दे एक्ट एज एन इनपुट इंडस्ट्री टू योर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इंडस्ट्री. सारा इनपुट एक्चुअली यहीं से जाता है. तो हम लोग इकोनॉमी में पढ़ेंगे इसको, जो हमारी इकोनॉमी का कोर्स चल रहा है 12:30 बजे, अबाउट हाउ क्रिटिकल रोल दे प्ले. उसके अलावा लैंग्वेज को लेके आजकल इशू फिर से चल रहा है. हिंदी इज द मदर टंग ऑफ 44% इंडियन एज पर सेंसस 2011 एंड द रेस्ट स्पीक 120 अदर डिफरेंट लैंग्वेजेस. तो हमारे यहाँ इंडिया में मेजर लैंग्वेजेस 121 हैं, जिसमें से मेन हिंदी बोलने वाले 44% लोग हैं. तो हिंदी, बंगाली, सेकेंड मराठी इज, थर्ड फोर्थ इज तेलुगु, फिफ्थ इज तमिल. जस्ट रिमेंबर दिस ऑर्डर, हिंदी, बंगाली, मराठी, तीन सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज इंडिया में, तेलुगु एंड तमिल. ग्रोथ ऑफ हिंदी स्पीकिंग वर्सेस अदर मदर टंग, हिंदी सबसे ज्यादा, देन पंजाबी, मैथिली एंड बंगाली. ये दो ट्रेंड्स बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है. तो इसको लेके इशू हो रहा है, जैसे अभी रिसेंटली कर्नाटका में इशू चल रहा है, देन अभी शशि थरूर जी का भी एक आर्टिकल आया था, विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम टू बी ऑनेस्ट, तो इसलिए हमने इसको कवर नहीं किया. बस ये दो चार्ट देख रहे हैं, बाकी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. उसके अलावा ये कुछ न्यूज़ आई, जैसे इंडियन एयरफोर्स ने अपनी इंक्वायरी कंप्लीट कर दी है इनटू द एक्सीडेंटल मिसिंग, जो मिसाइल फायरिंग हुई थी. तो उसमें उन्होंने दो रीज़न बोला कि एक तो उसने मिड एयर अपना कोर्स चेंज कर दिया, दैट मीन्स प्रॉबेबली द कोऑर्डिनेट्स वर नॉट करेक्ट, या फिर मिसाइल में भी कभी कभी मैल फंक्शन हो सकता है, तो ये कारण रहा होगा. खैर जो भी है, वो इंक्वायरी का पार्ट था, तो इंक्वायरी हो चुकी है. बाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने बोला दैट वी नीड टू इंक्रीज द एडीआर मैकेनिज्म, दैट मीन्स नाउ एडीआर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, जैसे लोक अदालत, ठीक है, मीडिएशन. तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है इज बेस्ड ऑन द आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लिबर्टी, आर्टिकल 21, एंड हमारे यहाँ आर्टिकल 39A के अंदर आप देखोगे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इसको फ्री लीगल एड के अंदर इसको हेल्प करने की कोशिश करती है. तो एडीआर काफी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो कोर्ट्स के जो नॉर्मल टेन्योर जो टाइम है उसमें हेल्प करता है, कि उसमें जो वेस्टफुल केसेस जो जबरदस्ती आ जाते हैं उनको रिजॉल्व कर रखा जाता है थ्रू मीडिएशन. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्वालिटी फॉर प्रीलिम्स. बाकी संगीत नाटक और ललित कला अकेडमी अवार्ड जो है वो दिए गए हैं फॉर 2021 बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री वेंकैया नायडू. तो ये जो अकेडमी है, इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, फुली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ फॉर इम्प्लीमेंटेशन. आप जब मंडी हाउस से जाओगे सीपी की तरफ, तो यू विल फाइंड दिस ललित कला अकेडमी देयर, वहाँ चौराहे पे आपको दिखेगी. संगीत नाटक अकेडमी जो है नेशनल ऑनर जो बेस्टो किए जाते हैं गिवन इन कैटेगरी ऑफ म्यूजिक, डांस एंड थिएटर. तो अकेडमी पुरस्कार कैरीज 1 lakh rupees अलॉन्ग विथ ताम्रपत्र एंड अंगवस्त्र. ये आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है. बाकी एक यूनेस्को की रिपोर्ट आई जिसने बताया कि जो बच्चे हैं, बॉयज आर एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ रिपीटिंग एंड फेलिंग एज कम्पेयर टू गर्ल्स. तो लीव नो चाइल्ड बिहाइंड ग्लोबल रिपोर्ट ऑन बॉयज पे आया है दैट नो लेस देन 132 मिलियन बॉयज ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल जो है दे आर आउट ऑफ स्कूल. दैट मीन्स जो बच्चे हैं लड़कियों के साथ ज्यादा चांसेस हैं ऑफ यू नो ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल एज कम्पेयर टू गर्ल्स एंड रिपीटिंग द ग्रेड्स. तो 10-year-old बॉयज फेयर वर्स देन गर्ल्स इन मास्टरिंग रीडिंग स्किल्स. पॉवर्टी पर्टिकुलरली कुछ सब्जेक्ट्स में, जैसे क्या होता है थोड़े चंचल मन के भी होते हैं, इधर उधर लग जाते हैं, कई बार घर में काम पे लगा दिया जाता है, जिसको चाइल्ड लेबर आप बोल सकते हो डोमेस्टिक सेंस में. तो उस वजह से ये कुछ कारण है. सो अलग अलग फैक्टर्स हैं इसके, बट रिपोर्ट में ऐसा आया एज पर यूनेस्को. बाकी कल न्यूज में आया था दैट बंगाल की जो कोस्ट स्टेट इज फेसिंग वन ऑफ द सीवियर मोस्ट इरोजन. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने डेटा निकाला है. इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वेस्ट बंगाल लोकेटेड इन द ईस्टर्न कोस्ट विद 534 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन सफर्ड अराउंड 60.5% ऑफ कोस्ट इरोजन. गुजरात रिकॉर्डेड इरोजन अलॉन्ग 27%. यूटी ऑफ पुडुचेरी 41.66 किलोमीटर लॉन्ग अलॉन्ग कोस्ट लाइन है, बट इरोजन इज अराउंड 56%. तो ओवरऑल आप देखोगे वेस्ट बंगाल आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज कोस्ट लाइन हैज been facing the most severe erosion. One of the major issue is tides. Winds बहुत strong रहती हैं वहाँ पे. उसके अलावा आप देखोगे जो सारी नदियाँ हैं, ठीक है, सो गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्र,
डेल्टा की वजह से भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शिफ्टिंग ऑफ साइंस एंड बेसिकली बिकॉज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इस एरिया में, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर इट. डैम बहुत बन रहे हैं, ये सारे के सारे जो है कोस्ट लाइन को भी वहाँ पर अफेक्ट करते हैं. बाकी हेलिना जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, हेलीकॉप्टर वर्जन है, उसको टेस्ट किया गया है एंड दिस वॉज डेवलप बाई DRDO एंड इंडक्शन होगा इंडियन एयरफोर्स में. फ्लाइट ट्रायल इसके ऑलरेडी कंडक्ट किए जा चुके हैं. उसके अलावा उड़ीसाज बारबरा फॉरेस्ट सेट फॉर इको टूरिज्म पुश, सो डब्ड एज एशियाज लार्जेस्ट टीक और साल फॉरेस्ट है ये उड़ीसा में बारबरा फॉरेस्ट है, जहाँ पे द ओनली फॉरेस्ट इन इंडिया गार्डेड बाई जवान ऑफ CRPF. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये मतलब एशिया का लार्जेस्ट जो टीक और साल, वेरी गुड फॉर फर्नीचर. तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, नोटोरियस स्मगलिंग होती है इसकी. तो ये ओनली फॉरेस्ट इन इंडिया है जहाँ पे आप देख सकते हो कि CRPF गार्डिंग करती है इसकी, खोर्धा नायगढ़ और मेजरली ये एरिया दीज यू नो यूज टू बी अफेक्टेड बाय द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. तो CRPF डिप्लॉय किया गया है इसको सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए इस फॉरेस्ट को. बाकी कल आज रिपोर्ट आई है कि कावेरी नदी में माइक्रो प्लास्टिक मिले हैं जो हम फिशेस को हार्म कर सकते हैं एंड व्हेन यू कंज्यूम देम यू आल्सो लीड टू व्हाट इज कॉल्ड एज बायो मैग्निफिकेशन. हमारे बोलते हैं ना हमारे ब्लड स्ट्रीम में, इसीलिए यू फाइंड माइक्रो प्लास्टिक्स नाउ, सो इट हैज बीन डिटेक्टेड इन आवर ब्लड आल्सो. तो इसमें वाटर फ्रॉम दी साइट्स एंड माइक्रोब्स लाइक साइक्लोब्स डैफनिया स्पाइरोजायरा, तो दीज आर इंडिकेटर्स, बायो इंडिकेटर्स बोलते हैं वाटर कंटेमिनेशन. तो माइक्रो प्लास्टिक्स मिले हैं फिश में and then you consume them, so they ultimately end up in the human bloodstream also. Baki Gujarat has topped the list for largest states in Niti Aayog State Energy and Climate Index Round 1. Okay, and Union Territories ko bhi isme rank kiya gaya on different indicators. Gujarat, Kerala, Punjab have been ranked as the top 3 performance in this category. Among UT, aap dekhoge Chandigarh, Delhi and Daman and Diu have been the top performers. Punjab was best in DISCOM, while Kerala topped in access, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी कैटेगरी. बाकी ट्राई जो है एक्सपेक्ट कर रहा है 40% स्पेक्ट्रम प्राइस कट फॉर 5G स्पेक्ट्रम बैंड चालू हो चुका है. ऑलमोस्ट टेस्टिंग वेस्टिंग भी कुछ जगह चालू हो चुकी है. तो इट हैड हाईलाइटेड दैट ओनली 37.1% ऑफ द स्पेक्ट्रम पुट अप इन प्रीवियस ऑक्शन वॉज अक्वायर्ड बाई टेलकोस. तो थोड़े प्राइस कट कर रहे हैं इन डिफरेंट बैंड्स, 700-800 MHz, 900-2500 MHz. तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल बॉडी फॉर इट. ठीक है, सो ज़्यादा कुछ है नहीं न्यूज़ में. Let's just solve one question and we'll get done with this. 12:30 PM मिलेंगे for the economy class. So Northern River Terrapin is a species of turtle key in Southeast Asia, categorized as endangered in IUCN Red List, and they can migrate 5,000 to 6,000 miles during the breeding season. चलो जी फटाफट बताइए आंसर इसका. तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, डी इज द करेक्ट आंसर. नॉर्दर्न रिवर टेरेपिन इज एक्चुअली अ नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है एंड दे आर नोन टू ट्रैवल 80-96 किलोमीटर्स. बहुत ज्यादा होता है 5,000 से 6,000 मील. सो डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है चलो, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन. एज पर द ऑफर यू कैन गेट सब्सक्रिप्शन. आप चाहें तो कोड यूज कर सकते हैं TPS लाइफ फॉर जॉइनिंग ऑल ऑफ दिस कोर्सेज. अभी बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं. आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे सर पॉलिटी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कब आएगा. 20 अप्रैल से चालू हो रहा है और उसके अलावा सोशियोलॉजी विल आल्सो स्टार्ट एट द एंड ऑफ द मंथ. ठीक है, तो फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लें. आई थिंक द ऑफर इज स्टिल 15th ऑफ अप्रैल, ईस्टर ऑफर जिसको हम बोलते हैं, 16th Sunday. गुड फ्राइडे ऑफर चल रहा है, सो यू कैन जॉइन ऑन ऑफ दिस बाय यूजिंग द कोड. बाकी लोन से भी आप इशू कर सकते हैं, 0% EMI, यू कैन डू अ पार्ट पेमेंट ऑल्सो.
बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन, आई विल सी यू गाइस शाम को मिलेंगे 8:30 बजे फॉर दी एमसीक्यू सेशन ऑफ कोर टॉपिक्स, और उसके अलावा आज एक स्पेशल क्लास है एनवायरनमेंट के ऊपर, एनवायरनमेंट स्पेशल क्लास के